गैया के गोबर मंगवानी आंगना लिपवानी नो गैया के गोबर मंगवानी आंगना लिपवानी नो मतारी हो कवने कारण कैलु देर की बाट ताहर जो हतानी हो मालिना के बिटिया से फुलावा मंगवानी निमिया के डढ़िया पर झुलवा लगवानी मालिना के बिटिया से अढ़ाउल मंगवानी निमिया के डढ़िया पर झुलुआ लगवानी बजा जावा के पुतवा बोलावानी चांदनी मंगवानी नो बजा जावा के पुतवा बोलावानी चांदनी मंगवानी नो मतारी हो कवने कारण कैलु देर की बाट ताहर जोहिले हो मतारी हो कवने कारण कैलु देर की बाट ताहर जोहतनी हो माई के भक्ति में डूब जाएंगे रउलू। और आज के बिहाने बिहाने में बहुत बढ़िया से हमने के एगो तो पूजा के तैयारी कर ले बनी सा और दूसरा बात की बढ़िया कलाकार के भी बोले ले बनी सा और रउआ सबके कलाकार तक हमनी के पहुंचाई मिलवाई। उससे पहले चाहतारी कि पहले थोड़ा थोड़ा अपना सेहत के हमनी के ध्यान रख ली और आई हमनी के मिलजुल के कह ली यो बिहाने में ना देखे वाले सभी लोगों का हमारा नमस्कार। आज हम आपके बताए हुए योग के द्वारा किस प्रकार से आप एलर्जी जैसे रोग को जड़ से दूर कर सकें। एलर्जी के कारण का होला कई बार की होला का होला कि शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता होला ना जो इम्यून सिस्टम होला शरीर का कमजोर हो जाला। ओकर कारण का होला विटामिन सी की कमी होला। आपके लगा था कि आपके बार बार एलर्जी हो जाता है शरीर में जगह जगह दाने निकल आते हैं स्किन की प्रॉब्लम हो गई है कई बार श्वास की प्रॉब्लम हो गई तो आप कोशिश करें कि विटामिन सी ज़्यादा लें। उमन कहा कि आंवला कोशिश करें ज़्यादा लें नींबू ले सके ना नारंगी संतरा मौसमी ले सके ना। उसके अलावा हम आपके योग के कुछ आसन बताएं। पहला आसन है जो पशु विश्राम आसन। ये जो आसन है इमन का होला पशु जिस प्रकार से विश्राम करेला रेस्ट करेला वो अवस्था में हमके ये आसन करे के है। आप गाय दिख ले हुई हैं गाय कब्बो अगर गाय के लगेला उनके प्रॉब्लम हो तो गाय पशु विश्राम की अवस्था में बैठ जाला उससे अगर कहा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाला जो प्रॉब्लम होला एलर्जी के दूर हो जाला। आई करें पशु विश्राम आसन। ये आसन बहुत सिंपल आसन है इमन आपके का करे के है दाएँ पैर घुटने से मोड़ लेके है बायां पैर भी घुटने से मोड़ लेके है और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर आपके झुके के हो जितनी देर आप नीचे झुके हैं श्वास की जो गति हुई सामान्य हुई जो आपका माथा हो जमीन के टच करे ये कहलाला पशु विश्राम आसन। आप ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट जितनी देर आपके पास टाइम है कर सके तो आई करी पशु विश्राम आसन। नीचे आ गए ना
तो ये आप देखना पशु विश्राम आसन, इस आसन के आप रोज कभी भी एक अभ्यास कर सके ना। जिनके एलर्जी के प्रॉब्लम उकरे अलावा अगर आपके हाई बीपी के प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम, आप एक अभ्यास कर सके ना। उकरे हम आपके दूसरा आसन बताओ थे मर्जरी आसन, यानी एक आसन कैट पोज। इमन आपके का करे के कैट पोज में आपके का करे के इस प्रकार से, जिस प्रकार से बिल्ली बैठेला, आपके का करे के है लंबा गहरा सांस भरे के है। और अब आपका जो कमर हुई अंदर जाए, आपका जो हिप्स बाहर निकली और आपके गर्दन पीछे की ओर मुड़ी और आप पीछे देखिए। आई करें जरा कैट पोज, लंबा गहरा सांस भरनी। जितनी देर आप आसानी पूर्वक सांस रोक सके ना रुकी हैं, ना रोक पाए की अवस्था में धीरे धीरे सांस छोड़ी हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने मेरुदंड यानी अपने बैक के ऊपर उठाई हैं। अब हम सांस छोड़ थे और धीरे धीरे नीचे आते हैं, अपनी गर्दन के नीचे लेके आए और मेरुदंड के ज्यादा से ज्यादा उठाए। ये योग में कहलाला मर्जरी आसन। उससे पहले हम आपके पशु विश्राम आसन बतौले हैं, खान पान का तरीका बतौले हैं। अगर आप खान पान के तरीके और ये आसन का अगर निरंतर अभ्यास करी हैं तो काफ़ी हद तक जो आपका एलर्जी का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, आपका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। अगले प्रोग्राम में हम किसी और विषय के बारे में आपके बताए, तब तक आप हमको इजाज़त दें। आप सभी लोगों का हमारा बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, योग करें और स्वस्थ रहें। और दर्शक लोग बताएं कि बिहानी बिहानी के आंगन में घड़ी माई के दरबार लागल बा। माई के दरबार में हमने के दू गो भक्त और भक्तिन बानी सा और भक्तिन के बीच में एगो तीसर भक्त आ जाले हमने के अतिथि। तो भौजी से पूछा था नहीं कि आज के अतिथि के बा। आज के अतिथि जी के नाम बा शशि भाल मिश्रा जी, जिनका से रउआ सब पहले भी मिल चुकल बानी और अभी भी रउआ सब उनका से गीत संगीत सुनो। चली पूजन हो चली पूजन रे, चली पूजन हो चली पूजन शंभु भवानी सिया हो महारानी। चली पूजन शंभु भवानी सिया हो महारानी, हो चली पूजन शंभु भवानी भवानी भवानी, हो चली पूजन शंभु भवानी सिया हो महारानी, हो चली पूजन शंभु भवानी सिया हो महारानी। सात सखी हो मिली मंगल गावे, सात सखी मिली मंगल गावे, सात सखी मिली मंगल गावे, मंगल गावे मंगल गावे। हा सात सखी हो मिली मंगल गावे, हा सात सखी हो मिली मंगल गावे, एक तो एक सयानी सिया हो महारानी, एक तो एक सयानी सिया हो महारानी। हाँ चली पूजन हो चली हो चली हो चली हो चली हो चली हो चली रे हरे हो चली पूजन शंभु भवानी सिया हो महारानी, चली पूजन शंभु भवानी सिया हो महारानी। क्या बात बा,
जहाँ पे बिहाने बिहाने में माई के दरबार लगल बा, वो दरबार में जिनका सब लोग हाजिरी लगावता, वही ना एगो भक्त आज हमने के बीच में आयल बड़े, जिनका नाम बटे शशि भाल मिश्रा जी। स्वागत बा, जय माता दी। जय माता, जय माता की, जय माता। दर्शक लोग, रउआ सब रोज बिहाने बिहाने देखा तानी दीवाना बानी, तो रउआ सबके याद हुई कि कुछ दिन पहले हमने के कलाकार के बनौले रहनी और इनका गीत संगीत से महफिल सजल रहे, तो हम सोचनी कि भाई काहे ना नवरात्रि के पावन मौका पर इनका के बुला के माई के दरबार में कुछ हो जाए गुणगान हमने के साथ। कैसा लागल जब फर्स्ट बार हमने के खबर करनी से और कहने से कि नवरात्र के समय में रउआ आवे के बटे, का फीलिंग्स भइल अंदर से? हम सोचे कि भाई ये मौका मिल गए जी, फिर गावे के माता के दरबार में चल पड़े वहीं से। रउरा के बारे में हमने के जानत नहीं सके, रउआ सुल्तानपुर के आसपास के बानी। जी जी। और सुल्तानपुर में कैसन अभी नवरात्र के समय चलता, कैसन माहौल बटे? सुल्तानपुर वैसे शहर तो छोटा है जी, लेकिन वहाँ पर लोग बैठ के मजीरा ढोलक लेके गली गली में सब गाना बजाना रात दिन चलत बा। पूरे नवरात्र में? हाँ, पूरा नवरात्र में सब व्रत रात है और जम के सब घरे द्वारे बैठ के घर गांव में शहर में जहां जे बा जी, वो समझाते बहुत फल मिले है ना, ये समय का बड़ा महत्व बा उनके दिमाग में जी, ये नाते सब लोग जुटा हम माता की अर्चना पूजा होत बा। रउआ घर से नजदीक कौन कौन माई के धाम बटे जो नजदीक हो? हमारे घर के नजदीक में सबसे पहले तो देखा जौनपुर बा, जौनपुर चौकिया बा, बहुत प्रसिद्ध बा। और थोड़ा आगे बढ़ा जौनपुर से मिर्जापुर गर्जत बा, जहाँ की लाखों जनता जाता ही बा। और थोड़ा सा आप पश्चिम आवा तो आज चंद्रकन प्रतापगढ़ जिले में चंद्रकन बा। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हमारे घर के पास ही एक मरी देवी है, उनका अच्छा। मरी देवी कही जाता है, वो पापर के नाम से प्रसिद्ध बा। अच्छा, और मरी देवी वो कोनो अपन वही बनाई नाई दी, वही लखनऊ बसत रहा। अच्छा। लेकिन उनका इतना प्रकोप रहा को का बनाई नाई दी, जय दाव बना तय दाव का गिराए दिन के। अच्छा। ओहो, तो मरी देवी का महत्व कम हो जात, या नाते वो मरी देवी यही और जाय को सब हर मंगलवार को मेला लागत है। अच्छा। सब वही जाय के अपन मरी देवी पूजा कर, पूजा पाठ सब कर। बेल्हा माई के धाम भी आपके घर के आसपास? अरे बेल्हा माई यही, हाँ, प्रतापगढ़ बेल्हा माई है, हम भुला जात रहे हैं। आहे गौइया के गोबर मंगवानी लिपवनी दुआरा आंगना। मिश्रा जी, आप हमनी सबसे तो बहुत सीनियर बानी और जितना दिन के आपके अनुभव बा, हमरा एगो क्वेश्चन मन में उठा था कि आखिर देवी माई के पूजा के आराधना के नवरात्रि पूजा के ये परंपरा कब से चलत आवत हुई? हमारे अपने ख्याल से कि ये बहुत दिन से चलत बा और एकर कोनो हम बहुत सही हिसाब तो नहीं बता पाते ही, लेकिन इतना हम जानत है कि ये माँ का जो पूजा बा ये बहुत ही पुरातन समय से चला आवत बा। जैसे भौजी कहली है कि काफी वो अनुभव बा जिंदगी के और बहुत सारा नवरात्र हुआ देखले हुए, तो का बचपन के जो नवरात्र हुए और आज के नवरात्र कुछ माहौल चेंज भइल बा कैसन? वो जो भक्ति पहले वाली रही वही भक्ति में बहुत भाव रहा। अच्छा। हाँ, बहुत भाव रहा। अब आज के जोन भक्ति बा भावत बा, लेकिन हमें लागत है कि अब जैसे बहुत जगह जागरण होते है जी, बहुत जने ऐसे ना वहाँ के जोन की मादक वस्तु प्रयोग करते हैं और भाई के गुणगान करते हैं। हाँ, ये सब तो बहुत गलत बात है। तो वो भाव जोन बा, वो जोन एक निर्मल मन और सादगी में जोन प्यार होता है जी, वो साज सज्जा बनावट कैला तो प्यार होए जरूर, लेकिन हमका तो बनावट लागत है भाई। पंडित जी, ये बताएं कि जोन कहनी की सादगी से प्यार होते तो कर बात अलग होते, तो इस सादगी से प्यार के भर के का मैया के चरण में हमने के एगो गीत और सुन सकी ले अभी? जय जय मां, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जगदम्बे जग जननी, जय माँ जगदम्बे जननी, जय माँ जगदम्बे
जग जननी जय माँ जगदम्बे जय माँ जय जग माँ जय माँ जय माँ जय जग माँ जय माँ जगदम्बे जग जननी जय माँ जगदम्बे। निर्मल मन दो ज्ञान विमल दो निर्मल मन दो ज्ञान विमल दो निर्मल मन दो ज्ञान विमल दो सबल मति दो हमको माँ सबल मति दो हमको माँ हमको अपना कर लो माँ हमको अपना कर लो माँ जगदम्बे जग जननी जय माँ जगदम्बे जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जगदम्बे जग जननी जय माँ जगदम्बे जग जननी जय माँ जगदम्बे। बहुत बढ़िया का बात बा देवर जी, ये पूरा तरीका से हमार जो मन बा वो मैयामय हो गेल बा। मैयामय हो गेल बा। और हम सोचे तानी कि मैयामय मन के यही रूप में सीधा सीधा कोनो माई के धाम पर चले के। हाँ तो अपना अतिथि से पूछा आप चलब। हाँ और वह लोग चलब। हाँ वो लोग चले तो चली मिलजुल के चल जाओ यात्रा पर। हिमालय के हरा भरा कांगड़ा घाटी में मौजूद है माँ चिंतपूर्णी के सुनहरा मंदिर। चिंतपूर्णी माई के महिमा अपरंपार हो। कहल जाला कि माई के यहाँ विराजे में एगो रोचक कथा हो। एक समय यहाँ एगो माई के भक्त माई दास रहत रहे, जिनकर ज्यादातर समय माँ के पूजा पाठ में ही गुजरत रहे। एक बेर भक्त माई दास आपन ससुराल जात रहे। रास्ता में जब वो थक के एगो वट वृक्ष के नीचे सुतले तो सपना में माई उनकरा के एगो दिव्य कन्या के रूप में दर्शन देहली और कहले कि तू हमार यहाँ पूजा अर्चना करा। भक्त माई दास के कदम वहाँ ठहर गए और माई दास माई के पूजा अर्चना करे लगले। तब भगवती उनकरा के दर्शन देकर कहली कि हे भक्त तू यहाँ रहकर हमार पूजा करा, आज से हम तुहार सब चिंता के दूर करब, यही से हमार नाम चिंतपूर्णी होई और यहाँ जे केहू भी आई उकरा सभे चिंता से मुक्ति मिली। कहल जाला कि तब से लेकर आज तक माई के कृपा दृष्टि आवे वाला भक्त जन पर बनल रहेला। माँ के भक्त दूर दराज से जयकारा करत आवेला। सुनहरा छत वाला माई के ई मंदिर में प्रवेश करते एको बड़ा सा घंटा हो, जिकर आवाज मीनो दूर तक सुनाई देवेला। मंदिर के कपाट चांदी के परत से चढ़ावल गयल बा। मंदिर के अंदर माँ चिंतपूर्णी के पिंडी के दर्शन होला।
दर्शन कैला के बाद उहे प्राचीन वट वृक्ष पर मौली बांध के दर्शन करेला, जहां माई अपन भक्त के दर्शन देले रहली। मन्नत पूरा भेला पर भक्त यहां आके मौली खोल लेवेले। यहां माई के बलि भी चढ़ेला, जौन भक्त बलि न देवेले उ प्रसाद स्वरूप इनकरा के यहां छोड़ देवेले। ये मंदिर के 51 शक्ति पीठन में गिनल जाला। कहल जाला कि यहां मां के चरण गिरल रहे और ये छिन्न मस्तिका देवी के स्थान है। मां के भक्त यहां माई के दरबार में आके सभी चिंता से मुक्त हो जाले। मां चिंतपूर्ण सभी भक्तजन के कल्याण करेली। यात्रा पूर्ण भइल और माई के आशीर्वाद लेके हमनी के सब केहू लौट के फिर से आ गए नी अपना स्थान पर। हाँ शशि भाल जी, अब हम चाहत नहीं कि रहू तो व्रत कैले बनी कि नहीं बताई। हाँ, व्रत कैले बनी। हाँ। ए भौजी, अरे तो शरबत बना के कुछ दिहल जाओ। ठीक बा, एकरा में कौन बात बा। तो दर्शक लोग, आप लोग भी अगर व्रत में बानी तो रहुआ सब भी शरबत पी। सर्व स्वरूपे सर्वेश सर्व शक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। स्वागत करते नहीं सब बिहाने बिहाने के पवित्र आंगन में, जहाँ पे बैठल बानी आदरणीय शशिभाल मिश्रा जी के साथ में। स्वागत बा आपके भी। शशिभाल जी, आज जब से पूजा पाठ के प्रचलन बा तो तरह तरह के अलग अलग देवी देवता के समय समय पर पूजा होला और उनका हिसाब से उनका सबके एक एक व्रत त्योहार बा, लेकिन सबसे ऊपर दुर्गा के उपासना शक्ति के पूजा होला, एकरा पीछे का कारण बा? माता का जौन स्थान बा वो सर्वोपरि इसलिए है कि माँ माँ से बढ़ के क्यों ना दुनिया में। अब हमरा लगा था कि वक्त हो गया बा कि हमनी के आज के भविष्य के बात कर ली और अपना आचार्य संजीव मिश्रा जी के आमंत्रित करें। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके राशि कौन बाटे? हमारा कुंभ राशि है। ओ कुंभ राशि बाटे। चलिए दर्शक लोग, नवरात्र के समय चलता और पूजा के विधि भी जानल जरूरी बाटे और साथे साथे बाबा से अपन दीन देखावल भी जरूरी बा। कार्यक्रम ग्रह गोचर में। धन्यवाद आचार्य संजीव मिश्रा जी, नवरात्रि के पावन मौका पर रउआ हमनियों के प्रणाम स्वीकार करी। और अब फिर दर्शक लोग के बताएं कि हमनी के बीच में बैठल बानी शशिभाल मिश्रा जी। शशिभाल जी, बचपन के जो नवरात्र हुए आज से लगभग 40 बरस पहले, जी जी, उ नवरात्र के कुछ याद होके जो अपना दर्शक लोग के साथ बांटे के चाहते नहीं हमनी के साथ। तरह तरह के नवरात्र मनाए जात रहा, बस दुआरे का होए केरा ओरा ले आए के और दुनिया के सजा के। अच्छा। हाँ पंडित जी आए गए, चार ठी लड़का आए गए, बैठ गए। अच्छा। जेकर जो नहीं रहा अपन ले आए रख दीस जी। हाँ। और अपन माता गुणगान कहे वही समय जो साधन जो राहत रहा जी होत रहा। दर्शक लोग, आप शशिभाल जी से हम सोचता नहीं कि एक पूरा साज बाज के साथ एक गीत सुनल जाए। ठीक बा, गाना सुनल जाए, भौजी के मन के बात पूरा कर जाए, रोरो लोग के मन के बात पूरा कर जाए। जो हिल बटिया बिछाई के अखिया सात बहिनिया के ए माई हो दुधावा के करहवा हई फेनात बारे पुड़िया हई से रात बारे ना। शशिभाल जी, जैसे कि पहले आपसे वादा भइला कि आप गाना सुनाए माई के भजन, तो सुनावल जाओ। निबिया की डारी यारे समावा की डोरिया मैया झूलै झालुआ मैया झूलै झालुआ निबिया की डारी यारे समावा की डोरिया मैया झूलै झालुआ मैया झूलै झालुआ छोहरी गाँव सुघर घनवा मैया झूलै झालुआ छोहरी गाँव सुघर घनवा मैया झूलै झालुआ निबिया की डोरिया रे समावा की डोरिया मैया झूलै झालुआ छोहरी गाँव सुघर घनवा
मैया झोले झलुआ छोहरी गाँव में सुघर गला मैया झोले झलुआ महिला पवाना बाजेला बजना मैया झोले झलुआ महिला पवाना बाजेला बजना मैया झोले झलुआ देखी के सुफल भयनवा मैया झोले झलुआ देख के सफल भयनवा देख के सफल भयनवा देख के सफल भयनवा देख के सफल भयनवा मैया झूले झलुआ निबिया की डारिया निबिया की डारिया समवा की डोरिया मैया झूले झलुआ छोहरी गाँव में सुधर गनवा मैया झूले झलुआ छोहरी गाँव में सुधर गनवा मैया झूले झलुआ मैया झूले झलुआ ओ मैया झूले झलुआ बहुत बढ़िया बहुत खूब बहुत खूब और इतना अच्छा लागल पंडित जी कि मन करता कि आपके बार 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 बुलाई यहाँ बैठाई और हम दोनों देवर भजाई एकदम लीन हो जाई राउर संगीत में कुछ सीखे के भी मिलेला कुछ अनुभव भी बांटे के मिलेला बहुत अच्छा लगेला। एक बार हमने के न्योता देता नहीं से फिर से आवे के ठीक है हम अभी जब आप बुलाई है हाँ। बिल्कुल अभी अब ये वादा जब रउआ कह देनी तो अब ये हम कहे के चाहता नहीं कि नवरात्रि के मौका बा दुर्गा माई के पूजा के मौका बा और मैया के एकदम चरण में रउआ बैठल बानी तो हमारी प्रार्थना बा माई से कि आपके सर्व मनोकामना मैया पूरी करें और बहुत बहुत आज आवे खातिर हमनी की तरफ से प्रणाम और धन्यवाद प्रणाम जय माता दी जय माता जय माता बिहाने बिहाने के अंगना में ई भक्त रनी है शशि भाल मिश्रा जी। अब दर्शक लो भौजी से हमे को समस्या बतावे जाता नहीं समस्या ही बा कि नुस्खा के टाइम हो गई बटे और नुस्खा में हम शरमाते हुए थोड़ा सा बतावे तनी का होइल कि हम मखाना तखाना कौनची कौनची तू सिंघाड़ा वगैरह के काका बनैले हो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई बतानी मखाना के खीर सिंगाड़ा के हलवा और व्रत के बहाने खूब खा ले बबुआ तो ज्यादा खैला से कुछ पेट में भइलवा गड़बड़ी ना एक गड़बड़ी ना हुई हो मान लो कि भूखल बनी भूखे की आदत नहीं के आ डोज जानते बनी लो जो का बा डोज भाई अब डोज पावे खाती कोनो भरपाई करे खाती थोड़ा सा गड़बड़ हो गई तनी बता दो दर्शक लोग अगर अचानक ऐसा कोनो तरह हालात में पेट गड़बड़ हो जाए तो एगो घरेलू उपाय बा वो उपाय ये बाकी एक कप गरम चाय बना ली जैसे दूध के चाय बनेला हाँ। चाय तो पियल पिए के कोनो मना नहीं खे एकरा में तो एक कप गरम चाय बना ली ओकरा में उतने ठंडा पानी मिला ली ठीक बा ओकरा के पी ली तुरंत पेट पकड़ ली पेट धली एकदम राम बाण बा बाप रे भौजाई ऐसे न कहल जाला कि सबके घर में भौजाई होखल जरूरी बहुत जरूरी बा बहुत जरूरी एगो पोस्टमैन भी जरूरी बा जे चिट्ठी पढ़े सबके आयल बाटे सुमी भी गुप्ता हाँ, से? यहाँ के लिखत नहीं आदरणीय विजय भारती देवर आनंद जी महोदय हम रोज देखा तनी जिसमें आने वाले कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं गुप्ता जी आपके पत्र हमनी के मिलल और हमार कार्यक्रम आपके अच्छा लगा था जान के खुशी भइल लेकिन एगो आप लोगों से रिक्वेस्ट बा कि पत्र अगर लिखी तो अपन नाम और पता साफ साफ लिखी ताकि हमनी के पढ़े में दिक्कत ना हो अब साथे साथे नवरात्र में रउआ लोग खूब मस्ती करी भक्ति में डूबा रही और थोड़ा सा अपना सेहत के भी ख्याल रखी और ये ध्यान रखते हुए मैया से हमनी के प्रार्थना करतानी कि पूजा सबके बहुत भली भांति तरीका से संपन्न होके मैया के आशीर्वाद मिले रउआ सबके व्रत राखे के पूजा निर्वाह करे के शक्ति मिले एक कामना के साथ काल 7:30 बजे के वादा करते हुए हम विजया भारती के तरफ से और हम अजीत आनंद के तरफ से जय माता की बिहाने बिहाने।